नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा आइडियल वाला टॉपिक हो चुका है और हमारा सम ऑफ टू रिंग वाला भी टॉपिक हो चुका है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम लोग उन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक थ्योरम देखने वाले हैं और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर, कि आपके सामने ए और बी जो है वो कोई भी दो आइडियल है किसी एक रिंग आर के, देन ए प्लस का बी जो होगा, मतलब जब आप इन दोनों आइडियल को सम करोगे तो अंदर एलिमेंट इस तरीके से मिलेगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी टाइप का, हम लोगों ने पढ़ लिया है तो जानते भी हैं। तो यहां पर जो ये होगा ए प्लस का बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, मतलब जो उसका दो आइडियल का आप सम निकाल रहे हो, इज एन आइडियल ऑफ आर, वो भी एक आर का ही आइडियल होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आपके सामने कोई भी दो आइडियल है, एक ए और एक बी, तो जब आप उनका सम करते हो ए प्लस का बी, तो वो भी एक आइडियल होगा। आपको ये वाली चीज यहां पर प्रूफ करनी है। और अब सबसे मेन बात आती है कि आपको किसी भी चीज को आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, कि सबसे पहली बात आप जिस सेट को आइडियल प्रूफ कर रहे हो, जिस सबसेट को, क्योंकि आप आइडियल किस चीज का निकाल रहे हो, ऑफ ए रिंग आर, रिंग का निकालते हो, तो इसका मतलब आइडियल एक सबसेट होता है, आप समझ रहे हो, जो कि रिंग आर का सबसेट होता है और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैं समझाता हूं आपको, एक आपके सामने आर है आपके, और एक आपके सामने आर है जो कि रिंग है, और आपके पास कोई भी एक सबसेट है, मान लीजिए ए। अब ये ए जो है वो आर का सबसेट है, ए जो है वो आर का सबसेट है, और अगर ए ने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब ए जो है वो नॉन एम्प्टी बन गया, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, ए जो होता है वो उस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि अगर स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस का बी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए। थर्ड आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आती है, लेफ्ट आइडियल वाली और राइट आइडियल वाली। लेफ्ट आइडियल का मतलब स्मॉल आर जो है अगर वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में और स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो लेफ्ट आइडियल ये कहता है कि आर ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में। और फोर्थ कंडीशन ये वाली होती है कि अगर स्मॉल आर बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में और स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो बाय द कंडीशन ऑफ राइट आइडियल आपका जो ए आर है वो भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में। और अगर किसी भी सबसेट ने, जो कि सबसेट आपका रिंग का है, उसने ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर दी, तो वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। तो हमें यहां पर उसने बोला हुआ है कि ए और बी आइडियल है, इसका मतलब ए और बी ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। हमें ये बताना है कि ए प्लस बी जो होगा वो भी आइडियल होगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे ए प्लस बी को भी आइडियल प्रूफ करना है। तो ए प्लस बी को आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें ये चारों की चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेंगी। ये आपको समझ आया? तो चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। लेकिन ए और बी ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर, कि अगर आपके सामने ए और बी कोई भी दो आइडियल है किसी एक रिंग आर के, मतलब वो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए प्लस बी को आइडियल दिखाने के लिए आप ये करवाओगे, ये आपको समझ आए? ठीक है, देखिए प्रूफ हम लोग कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें ये शो करना पड़ेगा डेट, गिवन डेट लिख देते हैं, गिवन डेट ए एंड बी आर आइडियल। वो जरूरी नहीं है कि आइडियल किसी एक रिंग का होता है, मैं आइडियल बता रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि वो किसी ना किसी रिंग का आइडियल है। चलिए लिख भी देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, लिख देता हूं ए एंड बी आर आइडियल ऑफ ए रिंग आर, ऑफ ए रिंग आर। और वी हैव टू शो डेट, नाउ वी हैव टू शो डेट, वी हैव टू शो डेट ए प्लस बी इज एन आइडियल। अब हमें ये शो करना है कि जो ए प्लस बी होगा वो भी आइडियल होगा। तो ए प्लस बी को आइडियल शो करने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए प्लस बी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, आप देखिए यहां पर जो ए है वो आइडियल है, आइडियल ए और बी जो है वो आइडियल है। आइडियल में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि हर एक आइडियल जो होता है वो सबरिंग होता है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कि हर एक आइडियल जो होता है वो सबरिंग होता है। इसका साफ साफ मतलब ये आता है कि जब हर एक आइडियल सबरिंग होता है, और सबरिंग का मतलब होता है कि वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब उस सबरिंग के पास, उस आइडियल के पास, मैं लिख दूं यहां पर, हर एक आइडियल जो होता है वो सबरिंग होता है,
सबरिंग का मतलब उसने रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, और रिंग में एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी वाली, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी वाली इसका मतलब ये सबरिंग एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और जब सबरिंग के पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो आइडियल के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ये समझ रहे हो। इसका मतलब एक क्वांटिटी जो जीरो है वो बिलोंग करेगा ए में, ये आपको समझ आया, मैं सिर्फ कर दूं, क्योंकि आइडियल आपका सबरिंग होता है, सबरिंग रिंग की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिंग के पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब सबरिंग के पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई। जब सबरिंग के पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है तो आइडियल के पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई, इसका मतलब जीरो जो है वो बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि आपका ए जो है वो एक आइडियल है, ये समझ आया। एंड बी भी आपका आइडियल है तो जीरो जो है वो भी बिलोंग करेगा बी में, ये आपको समझ है, क्योंकि और भी दोनों के दोनों आइडियल है, इसका मतलब उन दोनों के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। अब जब ए भी आपका एक आइडियल है, बी भी आपका एक आइडियल है, दिस इंप्लाइज डेट जीरो बिलोंग कर रहा है ए में और जीरो बिलोंग कर रहा है बी में, एक ही सेम क्वांटिटी है वो किसी दो अनदर सेट में बिलोंग कर रही है, दिस इंप्लाइज डेट जीरो बिलोंग करेगा ए ए प्लस के बी में, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ए प्लस बी में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ए और प्लस के बी के, जहां पर ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को, जीरो बिलोंग कर रहा है ए में, जीरो बिलोंग कर रहा है बी में, तो ए प्लस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जीरो प्लस जीरो टाइप के, जहां पर ये वाला जीरो बिलोंग कर रहा है इस ए में और ये वाला जीरो बिलोंग कर रहा है इस बी में, ये आपको समझ आया। और जीरो प्लस जीरो का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो, तो जीरो बिलोंग करेगा ए प्लस के बी में, और जैसे ही जीरो ए प्लस के बी में बिलोंग कर रहा है, मैं यहां पे एक बात साफ साफ कह सकता हूं कि आपका जो ये ए प्लस का बी है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपको समझ आया, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब उसके बाद हमें नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, अब हमें दिखाना है कि x माइनस का वाई, जहां पर x और y बिलोंग कर रहे हैं a प्लस बी में, तो x माइनस का y जो है वो भी क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए a प्लस बी में। लिख देता हूं मैं कि नाउ वी हैव टू शो दैट x माइनस का y जो है वो बिलोंग करेगा a प्लस बी में फॉर ऑल x, y belong to a plus का b। अगर x और y a plus b में belong कर रहा है तो x minus का y भी a plus b में belong करना चाहिए। तो मैंने मान लिया, let कर लिया कि x, y जो है वो belong कर रहा है a plus b में। अब देखिए, जब x a plus b में belong कर रहा है तो x के पास element किस टाइप के आएंगे, a1 plus b1 टाइप के आएंगे, ये आपको समझ आया। सॉरी, x के पास एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, a1 प्लस b1 टाइप के आएंगे, तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a प्लस b में, a प्लस b में सारे के सारे a1 प्लस b1 टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो इसका मतलब x जो होगा वो बराबर होगा a1 प्लस b1, स्मॉल a1 प्लस स्मॉल b1, ये आपको समझ आया। उसके बाद y भी बिलोंग कर रहा है a प्लस b में, इसका मतलब जो y होगा वो भी कुछ इस टाइप का ही एलिमेंट होगा, तो मैंने यहां पर मान लिया कि जो y है वो बराबर है a2 प्लस का b2 के, ये आपको समझ आया। आप देख भी सकते हैं कि a1 प्लस b1 बिलोंग करेगा कैपिटल a प्लस b में, और a2 प्लस b2 जो है वो बिलोंग करेगा कहां गया, कैपिटल a प्लस b में, ये आपको समझ आया। अब यहां पर हमें यह दिखाना है कि जो x माइनस का y है, मतलब जो x और y के बीच का डिफरेंस है वो भी बिलोंग करेगा इसी a प्लस बी में, तो किस तरीके से दिखाओगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कुछ ऐसा आएगा कि x माइनस का y, मतलब a1 प्लस का b1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो वाला a2 प्लस का b2, तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिला जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर ये माइनस दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a1 प्लस का b1 और माइनस का a2 माइनस का b2, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि a1 माइनस का a2 एक साथ ले लो और यहां पर प्लस का b1 माइनस का b2 एक साथ ले लो, ये आपको समझ आया। अब थोड़ा सा सोचो, जनरल क्रिएटिविटी आपकी काम करेगी। यहां पर अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a1 प्लस b1 में, तो यहां पर साफ साफ मतलब है कि जो भी इस टाइप का एलिमेंट होगा उसमें पहला एलिमेंट जो ये ए है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, और दूसरा एलिमेंट जो बी है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। यहां पर एक्स का मतलब था ए वन प्लस का बी वन, इसका मतलब जो ये ए वन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और ये जो बी वन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, कि जो ए वन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और जो बी वन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी में।
उसी तरीके से y आपका एक एलिमेंट है जो कि a2 plus b2 टाइप का है, तो वो भी इसी बिहेवियर में काम करेगा कि पहला a जो है वो कैपिटल a में जाएगा, दूसरा जो है वो कैपिटल b में जाएगा। तो आपका a2 जो है वो कैपिटल a में जाएगा और ये जो b2 है वो कैपिटल b में जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा a2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल a में, कॉमा b2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल b में। क्लियर आ रहा है क्या? एक सेकेंड प्लीज। हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ये समझ आया। अब यहां पर एक बात, थोड़ी सी क्रिएटिविटी देखिए। जब आपका a1 a में बिलोंग कर रहा है और a2 जो है वो भी a में बिलोंग कर रहा है और a आपका आइडियल है, आपका स्मॉल a1 और स्मॉल a2 दोनों के दोनों जो है वो a में बिलोंग कर रहे हैं और a आपका एक आइडियल है, तो आइडियल होने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी a में बिलोंग करेगा। इसका मतलब a1 माइनस का a2 जो है वो भी बिलोंग करेगा a में, और यहां पर a1 माइनस का a2 ही लिखा हुआ है, तो ये कहां से एलिमेंट आया है? ये एलिमेंट a से आया है, क्योंकि ये a1 माइनस का a2 कहां बिलोंग कर रहा है? a में। ये आपको समझ आया? फिर इस पे ध्यान से देखिए, आपका b1 जो है वो कैपिटल b में बिलोंग कर रहा है और b2 जो है वो भी कैपिटल b में बिलोंग कर रहा है और b आपका एक आइडियल है। इसका मतलब जब b1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल b में और b2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल b में, तो इन b एक आइडियल है, तो b1 माइनस का b2 मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी कहां बिलोंग करेगा? कैपिटल b में। ये आपको समझ आया? तो b1 माइनस का b2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल b में, तो यहां पर b1 माइनस का b2 लिखा है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है? कैपिटल b में। तो आपको जो x माइनस का y टाइप का एलिमेंट मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, जहां पर पहला एलिमेंट कैपिटल ए से है और दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से है और दोनों के दोनों का सम हो रहा है। यहां पर a प्लस बी कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से एलिमेंट मिल रहा है, जहां पर पहला एलिमेंट कैपिटल a से है, दूसरा एलिमेंट कैपिटल b से है और दोनों के दोनों का सम हो रहा है। इसका मतलब x माइनस वाई कहां बिलोंग कर रहा है? a प्लस का b में। कहां गया? ये रहा, a प्लस का b में। ये आपको समझ आया? तो साफ साफ कह सकते हो कि जो x माइनस का वाई है वो कहां बिलोंग कर रहा है? a प्लस का b में। और जैसे ही x माइनस वाई a प्लस b में बिलोंग कर रहा है, आपने सेकेंड नंबर वाली प्रॉपर्टी भी आइडियल की सेटिस्फाई कर दी। ये आपको समझ आया? जरूरत पड़ेगी तो इसे रफ कर दे, हमें दो प्रॉपर्टी और प्रूफ करनी है तो इसे रफ करेंगे, ठीक है। अब हमें दो प्रॉपर्टी और प्रूफ करनी है, एक तो लेफ्ट आइडियल वाली और एक राइट आइडियल वाली, तो चलिए उस पर काम करते हैं। देखिए, लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल r में और x को एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a प्लस b में, तो जो लेफ्ट आइडियल के लिए r को लेफ्ट साइड रखूंगा तो rx जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए a प्लस का b में, हमें ये दिखाना पड़ेगा। पहले लेफ्ट आइडियल के ऊपर काम करते हैं, लिख भी देता हूं मैं, पहले हम लोग लेफ्ट आइडियल के ऊपर काम करेंगे आइडियल। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आपका स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल r में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये x है वो a प्लस b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो x है वो आपका स्मॉल a1 प्लस स्मॉल b1 टाइप का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? अब आपको इस r और इस x का मल्टीप्लीकेशन लेना है और फिर ये दिखाना है कि ये क्वांटिटी भी a प्लस बी में बिलोंग करेगी। तो जब आप r और x का मल्टीप्लीकेशन लोगे, इसका मतलब r और a1 प्लस b1 का मल्टीप्लीकेशन लोगे, तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा r a1 प्लस का r b1। ये आपको समझ आया? अब फिर से आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी। क्या क्रिएटिविटी? नहीं, जो नॉलेज उसने गिवन दिया हुआ है, हाइपोथेसिस का यूज करो। हाइपोथेसिस का क्या? कि आपका जो a है वो एक आइडियल है, तो a के आइडियल होने का मतलब a जो है वो आपका कैपिटल a, उसने लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी होगी और उसने राइट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी होगी। तो जब उसने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, तो मैं जस्ट अभी आपको लेफ्ट आइडियल के ऊपर बताता हूं कि आपका r जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल r में और मैंने मान लिया एक एलिमेंट जो a1 है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल a में, तो इसका मतलब r a1 जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल a में, क्योंकि ये आपका a जो है वो एक आइडियल है। तो यहां पर वही तो चीज लिखी हुई है कि जो r a1 है वो कहां बिलोंग करेगा? कैपिटल a में। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां से आया है? कैपिटल a से। उसी तरीके से b आपका एक आइडियल है, तो मैं लेफ्ट आइडियल वाला कंडीशन चला रहा हूं, तो उसके ऊपर ही बताऊंगा कि अगर स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल r से और b1 कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल b से, दिस इंप्लाइज दैट r b1 जो है वो कहां बिलोंग करेगा? कैपिटल b में, क्योंकि b आपका एक आइडियल है। ये आपको समझ आया? तो जब b आपका एक आइडियल है तो ये r b1 जो है ये कहां बिलोंग करेगा?
कैपिटल बी में, तो आपको जो RX टाइप का एलिमेंट मिला वो कुछ ऐसा ही मिला जहां पे फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है। ये आप समझ रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है। आपको इस टाइप का ही एलिमेंट मिला, इसका मतलब RX कहां बिलोंग कर रहा है, किसमें, ए प्लस बी में। ये आपको समझ आया। तो जब RX जो है वो बिलोंग कर रहा है A प्लस बी में, दिस इंप्लाइज दैट आपकी लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये आपको समझ आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में हम लोग राइट आइडियल के ऊपर बात करेंगे, सेम इसी की डुप्लीकेट कॉपी है राइट आइडियल। देखिए किस तरीके से कि हमने मान लिया एक एलिमेंट स्मॉल आर है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, और एक एलिमेंट वाई है जो कि बिलोंग कुछ इस टाइप का है ए टू प्लस बी टू टाइप का, जहां पर A2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में और B2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में। तो आपको राइट आइडियल लेना है, मतलब R जो होगा वो इस समय राइट साइड में जाएगा, तो आपको YR टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और YR का मतलब A2 प्लस B2 का आप क्या करोगे, राइट R का राइट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे A2 प्लस B2 पे, तो आपको एलिमेंट मिलेगा A2R प्लस का B2R। ये आपको समझ आया। अब देखिए फिर से देखिए, आपका जो यहाँ पर स्मॉल आर है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, और मैंने मान लिया एक एलिमेंट ए टू है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। दिस इंप्लाइज दैट जो आपका राइट आइडियल है, क्योंकि ए एक आइडियल है, ए एक आइडियल होने का मतलब वो लेफ्ट आइडियल भी होगा, वो राइट आइडियल भी होगा। तो जब आप राइट का कंपोजिशन राइट आर का कंपोजिशन राइट साइड से करोगे तो रिजल्ट आपको ए टू आर टाइप का मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा ए में। उसी तरीके से बी आपका एक आइडियल है, तो मान लिया मैंने स्मॉल आर बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, और आपका जो ये स्मॉल बी टू है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। तो बी के आइडियल होने का मतलब बी आपका लेफ्ट आइडियल भी होगा और बी आपका राइट आइडियल भी होगा। तो जब बी आपका लेफ्ट आइडियल भी है, बी आपका राइट आइडियल भी है, दिस इंप्लाइज दैट आपका जो बी टू आर है वो कहां बिलोंग करेगा, सॉरी हाँ ठीक है बी टू आर जो है वो कहां बिलोंग करेगा, बी में। तो आप देख सकते हो कि जो ए टू आर है वो कहां का एलिमेंट है, ए का, और ये वाला जो B2R है वो कहाँ का एलिमेंट है, B का। तो जब आपने YR करा तो YR करने पर आपको जो भी रिजल्ट मिला उसका फर्स्ट एलिमेंट A का बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट B का बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपका YR जो है वो भी बिलोंग कर रहा है A प्लस B में। और अब आपकी चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि लेफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सॉरी राइट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो रिजल्ट आपने पीछे देखा था नॉन एम्प्टी वाला और दोनों के बीच का डिफरेंस वाला सेटिस्फाई हो रहा था। तो इन चारों प्रॉपर्टी की मदद से आप ये कह सकते हो कि जो आपका ए प्लस बी होगा वो भी एक क्या होगा, आइडियल होगा, किस चीज का, आर का। ये आपको समझ आया। तो ये सिंपल से यहाँ पर कंडीशन आती है, कोई दिक्कत है तो ये आपका प्रूफ यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन रुको ठीक है, प्रूफ खत्म हो गया, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपको समझ आया, प्रूफ खत्म हो गया। अब बताता हूं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ी सी ट्रिक काम आ जाती है कि मान लीजिए ये इससे अलग है, इस थ्योरम से, इसका जब आपका प्रूफ से बिल्कुल अलग है, प्रूफ से कोई लेना देने नहीं है, मैं इसे रफ कर देता हूं, या चलिए इसको यहीं पर रहने देता हूं अभी। देखिए आपका ए एक लेफ्ट आइडियल भी था, ए एक राइट आइडियल भी था, बी एक लेफ्ट आइडियल भी था, बी एक राइट आइडियल भी था। तो मैं ए में से लेफ्ट वाली कंडीशन को चूज कर रहा हूं और बी में से राइट वाली कंडीशन को चूज कर रहा हूं। ये एक जनरल ट्रिक है बस, जो कि क्वेश्चंस में यूज करी जाती है जब आप आगे जाओगे, जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ए आपका लेफ्ट आइडियल है और बी आपका राइट आइडियल है, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस का बी, क्योंकि ए आपका लेफ्ट साइड में लिखा है, बी आपका राइट साइड में लिखा है, इसलिए मैंने जान पूछ के ए से लेफ्ट आइडियल को पिक करा और बी से राइट आइडियल को पिक करा। तो आपका जो ए प्लस बी होगा वो भी एक परमानेंट क्या कह सकता हूं मैं उसे, हाँ परमानेंट कह सकता हूं या फिर डेफिनेट कह सकता हूं कि आपका ए प्लस बी एक डेफिनेट आइडियल होगा। ये आपको समझ आया। तो ये उसकी छोटी सी ट्रिक थी, अब आप जा सकते हो, लेकिन रुको, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, फीडबैक देके जाओ, ये सारा काम कर दो यार, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।